दोस्तों आज BTS ग्रैमी में गए थे और वहाँ पर बहुत ही सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जो आर्मीज को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, जैसे कि BTS के बहुत ही अच्छे आउटफिट्स और उनके रेड कारपेट मूवमेंट्स, साथ ही साथ उनका बहुत ही सारे सेलिब्रिटीज से मिलना। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक ऐसा मूवमेंट भी था जिसने आर्मीज को बहुत ही ज़्यादा शॉक कर दिया, और दोस्तों ये मूवमेंट था जब वी यानी किम तेयोंग एक लड़की के साथ बैठे दिखाई दिए। यही नहीं बल्कि उसके कानों में कुछ फुसफुसा भी रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे, जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया भर में ये हैशटैग ट्रेंड होने लगा। और इसके साथ साथ काफ़ी सारी आर्मीज का ये सोचना था कि आखिर दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों भले ही आपने ग्रैमीज देखा हो या फिर ना देखा हो, आपने एक मूवमेंट तो ज़रूर देखा होगा जहाँ पर वी एक वाइट ड्रेस में बैठी लड़की के बगल में बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि वी उनके कान में कुछ फुसफुसाते हैं और वो बहुत ही शॉकिंगली रिएक्ट करती हैं। फिर वी अपने हाथ से एक कार्ड निकालते हैं और अचानक से उसे फेंक देते हैं। हालांकि इन सब के बीच में वी और उस लड़की का आई कॉन्टैक्ट भी होता है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ या जिस लड़की को आप सभी ने देखा, वो कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक बहुत ही फेमस सिंगर ओलिविया रोड्रिगो हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका काफी बड़ा नाम है और इस ग्रैमीज में भी उन्होंने काफी सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। दोस्तों दूसरी चीज ये कि काफी सारी आर्मीज इस चीज को लेकर एक्साइटेड थी और क्यूरियस थी कि आखिर वी उनके कान में क्या बोल रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब ऑलरेडी प्लान था, यानी जब BTS की परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली थी उसके पहले ही इस कैमियो में इस सीन को दिखाया गया था। और इस सीन को जानबूझ के दिखाया गया था क्योंकि ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, यानी जब BTS की परफॉर्मेंस हुई तो उसके इंट्रोडक्शन के लिए ऐसा उन्हें करके दिखाना था। और इसीलिए जब BTS की परफॉर्मेंस होने वाली थी तो वी और ओलिविया को दिखाया गया जब वी ने ओलिविया के कान में कुछ बोला। हालांकि उन्होंने क्या बोला ये बात कहीं भी नहीं रिवील करी गई है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उन्होंने BTS की परफॉर्मेंस के बारे में ही उनको कुछ बताया। और ओलिविया ने भी वी का पूरा साथ देते हुए बहुत ही शॉकिंगली रिएक्ट किया, जिसके बाद वी ने एक कार्ड निकाला और ओलिविया को स्टेज की तरफ इशारा किया और तुरंत ही वी ने उस कार्ड को फेंका, जिसका ट्रांजिशन मूवमेंट दिखाते हुए उन्होंने दिखाया कि उस कार्ड को जंगकुक ने पकड़ लिया है। और उसके बाद BTS की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई। तो देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ BTS की परफॉर्मेंस की ग्रैंड एंट्री का इंट्रोडक्शन था, जहाँ पर बाकी मेंबर्स को भी अकेले बैठे हुए दिखाया गया था, लेकिन वी को ओलिविया के साथ दिखाया गया। हालांकि इसके बाद काफ़ी सारी आर्मीज बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी। उनका मानना था कि इससे पहले भी वी ओलिविया के साथ ही बैठे होंगे और काफ़ी सारी बातें भी हुई होंगी। यही नहीं रेड कारपेट पे जब BTS से पूछा गया था कि उनको किसके साथ कोलैबोरेट करना है, तो वी ने ओलिविया का ही नाम लिया था, जिससे पता चलता है कि वी ओलिविया के बारे में ऑलरेडी जानते ही थे। साथ ही साथ इन सब के बीच में दोनों का ही आई कांटेक्ट बहुत बार हुआ था और उनकी वायरल फोटोज में दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारे भी लग रहे हैं, जिसको देखने के बाद आर्मीज थोड़ा सा जेलस हो गई थी। लेकिन हमारी आर्मीज जानती हैं कि वी तो है ही सोशल बटरफ्लाई, और साथ ही साथ जब उनको अपनी परफॉर्मेंस के लिए इस स्क्रिप्ट को करना ही था तो उसमें जेलसी कैसी, और दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे तो ये अच्छी ही बात है। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका इस मूवमेंट के बारे में क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।